वेलकम फ्रेंड्स, पीवीआर स्टडी की ट्रिकी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार रघुवंशी आज आपको दिखाऊंगा कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस लेसन को पूरा देखिएगा, ठीक है? अगर आप पूरा देखेंगे तो आप किसी भी एग्जाम में आयु पर आधारित जो भी सवाल होंगे उन्हें बहुत आसानी से कर ले जाएंगे और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, पंकज और पूनम की आयु का जो अनुपात है प्रेजेंट टाइम में वो 3:4 का है। कितना है? 3:4 का है। फिर क्या कह रहा है कि पंकज पूनम से 8 वर्ष छोटा है, तो 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का क्या अनुपात होगा, ये आपको बताना है। मतलब इस तरह के कंडीशन अगर दिए हो तो आप कैसे करेंगे? सिंपल में बात है, 12 वर्ष की बात छोड़िए, पहले अभी ज्ञात करिए कि अभी प्रेजेंट टाइम में दोनों की आयु क्या है। अगर अभी मालूम होगा तो 12 वर्ष बाद भी हम जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा। तो पहले दोनों की वर्तमान आयु निकालेंगे। उसको निकालने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा नहीं करना है प्रोग्राम, बस छोटा सा ट्रिक लगाना है, x अपान x माइनस y इनटू t, समझ रहे ना? तो x और y कहां से मिलेगा? ये जो अनुपात है पहला ये x है, दूसरा क्या है y है। तो 3 है, x की जगह पे क्या है 3 है। समझने की कोशिश करिएगा, अगर कोई गड़बड़ी है तो तुरंत आप लोग बोलिएगा, नहीं समझ में आएगा तो तुरंत, ठीक है? जो जो मान दिए गए रख दीजिए, बस हो गया। देखिए t कहां से आएगा, जो 8 वर्ष बाद बोल रहा है ना वही t का मान होगा। तो x का मान क्या है हमारा, वहां से 3 है। और ध्यान दीजिएगा, x का मान जब 3 है तो 3 - 4 इंटू क्या हो जाएगा, ये 8 वर्ष। लेकिन एक बात गौर से देखिएगा, जब यहाँ पर हम इसको ऐसे करेंगे 3 में से घटाएंगे तो -1 आएगा ना। आपको एक बात ध्यान देना है, ये ट्रिक है, कोई बेसिक नहीं है, तो आपको इस मान को माइनस नहीं रखना कतई, इसको ये समझ लीजिए प्लस है, ठीक है ना? इतना आप लोग करेंगे क्योंकि ये ट्रिक है, कोई बेसिक रूल नहीं है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये कभी भी माइनस नहीं होगा। तो ये क्या होगा, 24 वर्ष, समझ गए ना? इसी तरह से आप दूसरा मान निकालेंगे, मतलब ये तो ए की आयु आ गया, मतलब पंकज की आयु आ गया, अब बी की आयु यानी पूनम की आयु। तो आप यहां लिखेंगे पूनम की आयु बराबर, इसके लिए आपकी जो ट्रिक होती है वाई अपान यक्स माइनस वाई। तो वाई का मान क्या है, 4 है, और यक्स माइनस वाई, यक्स का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब आपका बी का आयु निकालेंगे तो इसके लिए यक्स वाई बदल जाएगा, ये वाई हो जाएगा और ये यक्स हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 - 3 × 8, जब आप इसे करेंगे तो 4 8 कितना आएगा, ये 32 वर्ष। अब आप समझ गए होंगे, प्रेजेंट टाइम में एक की आयु 32 वर्ष है, दूसरे की कितना है, 24 वर्ष है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब 12 वर्ष बाद की बात करेंगे, 12 वर्ष बाद क्या होगा, देखिए एक की 24 है, दूसरे की क्या है, 32 है। तो भाई लिखिए ना, 12 वर्ष बाद किसकी आयु, मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं जल्दी से, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। अब आप लोग देख रहे होंगे 60 हो गया है ना, हो गया ना? तो 12 वर्ष बाद पंकज की आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष थी वर्तमान में, तो 24 × 12 = 36 वर्ष हो जाएगी। और 12 वर्ष बाद पूनम की आयु जो कि 32 वर्ष थी, तो 12 जोड़ देंगे, 32 + 10 = 44 वर्ष हो जाएगी। दोनों का अनुपात की बात करेंगे तो 36 / 44 हो जाएगा, ये आपका कट सकता है 4 से, तो 4 × 9 = 36 और 11 + 4 = 44 है ना, वो सॉरी यहाँ पे 11 आ जाएगा, क्या आएगा 11, क्योंकि 4 से कटा है, तो 9:11 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। जल्दी से नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, फिर देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, जब दो व्यक्तियों के आयु का योग निकालना हो तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए कह रहा है शांति तथा सुरेश की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:5 का है, शांति सुरेश से 8 वर्ष छोटी है, तो 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग क्या था। ऐसी स्थिति में आप लोग ये छोटा सा ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और फिर आप लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो x y का जो जो मान दिए गए रख दीजिए, x की जगह 3 y की जगह 5, ठीक है? तो फटाफट रखते चलेंगे और फिर आगे देखते चलेंगे, ठीक है? जो जो मान दिया गया रखिएगा, एक बार ध्यान दीजिएगा कि आपको घटाते समय कोई भी मान माइनस नहीं लेना है। तो ये हो गया 3 और ये 5, और ये रख देंगे 3 - 5 × 8 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करके हम जितना वर्ष पहले की बात करेगा ना उसका दूना कर देंगे। तो 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 4 × 2, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, ये 5 × 3 = 8, और यहाँ पे जान रहे हैं कि कोई मैथ का रूल नहीं लगा रहे हम लोग, ट्रिक लगा रहे हैं, तो ट्रिक आपको याद रखना है, कोई मान यहाँ पे माइनस आपको नहीं लेना है, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, ये हो गया 2, ठीक है? समझने की कोशिश करिएगा। और फिर ये हो गया आपका 8 - 8,
कुछ लोग सोच रहे होंगे 8 माइनस 8 ही तो 0 हो गया। जी बिल्कुल, ये 0 नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं गणित के नियमों में पहले भाग किया जाता है फिर गुणा तब घटाया जाता है, तो आप इसे पहले घटा या गुणा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब समझिएगा। तो ये 0 कतई नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं तो इसको घटा ले 0 करने सब 0 हो जाएगा, कतई नहीं होगा ऐसा। आगे देखिएगा, ये कटेगा 2 से तो ये आ जाएगा 4, 4 का 8 में गुणा करेंगे 32, 32 माइनस 8 इक्वल कितना आएगा 24 वर्ष। इसे नोट कर लीजिए। एक बात यहाँ आपको ध्यान देने लायक है कि यहाँ पे घटाने के बाद जब माइनस में 2 आएगा तो आपको माइनस चिन्ह नहीं लेना है, और दूसरी बात क्या करना है, जितना वर्ष पहले की बात करेगा ये फार्मूला ट्रिक लगाने के बाद उसका क्या करेंगे 2 गुना करके उसमें से घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह के सवाल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा अगर इस ट्रिक में कोई दिक्कत आई तो, अगली क्लास में हम लोग अगली ट्रिक देखेंगे। पिछली क्लास देख लीजिएगा, अभी स्क्रीन पे दिखेगा आपको 20 सेकंड पहले, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। और आप बेसिक मैथ चाहते हैं या ट्रिक चाहते हैं कमेंट जरूर करें, क्या चाहते हैं आप। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। एवरी संडे आपको ट्रिक की क्लास मिलेगी, हर संडे ट्रिक की वीडियो मिलेगी।